कम से कम सूर्य उदय होने के पहले सबको एक नमोकार मंत्र की माला घर में फेरना है। उठते ही हाथ पैर धो लीजिए और बिना नहाए आप एक नमोकार मंत्र की माला सभी को पूरे भारत, जो शिविर में नहीं है उनके लिए निर्देश दे रहा हूँ, शिविर के निर्देश अलग होंगे। घर में बने हुए मंजन का ही उपयोग करेंगे या आयुर्वेदिक मंजन का उपयोग करेंगे, एलोपैथिक जो पेस्ट आते हैं उस मंजन का 10 दिन त्याग कर दो। आज रगड़ना ना जितनी रगड़ना है, कल से देसी दंत मंजन या अपने घर का बनाया हुआ मंजन ही ग्रहण करना करोगे। 10 दिन के लिए चाय काफी खराब गुटखा बुरी सिगरेट सारे नशों का त्याग करना चाहिए। महाराज ये सब तो चल जाएंगे, पहले नंबर पे चाय है। महाराज जी प्राण निकल जाएंगे, चक्कर आएगा नहीं मान हुआ। कई लोग कहते महाराज मैं 10 उपवास कर लूंगा, बस 1 कप चाय की छूट दे दो। कई एकासन करते हैं और एकासन पे चाय पीते हैं, काई का एकासन है। चाय भी निकोटीन नाम का जहर होता है जो शराब में होता है, सिगरेट में होता है, गुटखा में होता है, उसी की अल्प मात्रा चाय में होती है, इसलिए क्वालिटी वही है, छोड़ देना चाहिए 10 दिन के लिए। 3 दिन चक्कर आएगा, 4th दिन नहीं आएगा। साबुन सोडा का त्याग करना चाहिए 10 दिन, क्योंकि साबुन सोडा नालियों में जाता है, असंख्यात जीवों को छार छार करता है, त्रस्त जीवों को। कम से कम 10 दिन के लिए, पहले लोग करते थे सारे कपड़े लगते जितने भी हैं सब आज 4th को धुल जाएंगे जैनियों के, और जैनियों के इतने कपड़े होते हैं कि 10 दिन धोने की जरूरत नहीं है, हर दिन नया नया। हाँ इनकी तो मेहरबानी है, सारा साड़ी भंडारी ही रहते हैं। कम से कम 10 दिन साबुन सोडा से कपड़े नहीं धोएंगे, नहाएंगे नहीं, शिविर में तो हो गई नहीं है। नहाने के लिए आपको क्या मिलेगा मालूम? आपको मिट्टी मिलेगी, बहुत अच्छी मिट्टी है, खड़िया मिट्टी की साबुने आती हैं, आप खुद घर में बना लीजिए। उसी मिट्टी में थोड़ा गोरे होना है तो हल्दी डाल दीजिए, सुगंध चाहिए है तो चंदन का चूरा डाल दीजिए। ये तीनों चादर मिला के जाइए, सुगंध भी आएगी, चिकनाहट भी आएगी, गोरापन भी होगा और हिंसा से भी बच जाओगे। इसलिए 10 दिन तक कोई भी जैनियों के घरों में जो शिविर में नहीं है उनके लिए साबुन सोडा का प्रयोग बंद करना, नहाने के भी लिए नहीं, हमने नहाने के लिए बता दिया। पुरुष अगर हो तो 10 दिन के लिए धोती दुपट्टा का ही नियम ले लेना कि हम 10 दिन धोती दुपट्टा ही पहनेंगे। घरों में रहने वालों के लिए भी यही कह रहा हूं, जाओ नौकरी पर जाना पड़े तो धोती दुपट्टा पहन के जाओ, सारे ऑफिस को पता चले कि आज हमारे पर्व। समझ में नहीं आता? एक बुल्ला अपनी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता, एक सिख अपनी पगड़ी बांधने में शर्म नहीं करता, तुम जैनी होकर धोती दुपट्टा में क्यों शर्म करते हो? ये बात समझ में नहीं आती। सरदार को कभी पगड़ी में शर्म नहीं आती, सैनिक में हो चाहे कहीं हो वो पगड़ी बांधता, उनका टोपी लगाना है तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? साहब 10 दिन हमारा त्याग है, हम धोती दुपट्टा में भी आएंगे। और धोती दुपट्टा यदि तुम सारी दुनिया नियम ले ले तो सरकार को भी धोती दुपट्टा की छूट देना पड़ेगी, जैसे सरदार को पगड़ी की छूट दी। सरदार को जब पगड़ी की छूट है तो हमें धोती दुपट्टा की छूट क्यों नहीं मिले? मिलेगी, लेकिन आप खुद कह रहे थे नहीं साहब हमें तो चलता है वो जीन्स। तो पूरे 10 दिन धोती दुपट्टा सफेद वस्त्र पहने, महिलाएं जो हैं अपनी साड़ियों का निर्धारण करें, नाना प्रकार की सारी साड़ियां इनकी 10 लाक्षण में निकलती हैं। क्या सुगंध दशमी के दिन वीडियो बना लो साहब, बिल्कुल स्पेशल निकलेंगी। कई महिलाएं तो इसलिए आती हैं सुगंध दशमी को मंदिर में कि नाना प्रकार की साड़ियां देखने को मिल जाएंगी।
नहीं, 10 दिन ऐसा ऐसा अपना रूप बनाओ, ऐसा अपने वस्त्र पहनो जो एक धर्म का संदेशा दें, राग का नहीं। राग करना ही पाप नहीं है, राग में निमित्त कर्म बनना भी पाप है। तुम कहो मैं क्या करूं, लोग अपनी दृष्टि संभाले, नहीं, तुम ऐसी वेशभूषा पहन के भी क्यों आते हो? इसलिए 10 लाख क्षण पर में सादा सिंपल वस्त्र पहनो, सादा सिंपल वस्त्र पहनो, हो सके तो सारे भारत की जैनियों की महिलाएं 10 लाख क्षण पर में हाथ करगा की साड़ी पहने, 10 दिन के लिए सिंपल भेष बनाओ, बाद में तुम्हें पहनना हो पहनना, शादी में, बारात में, विवाह में, कम से कम पर्व के दिन में आपका भेष बहुत सादा सिंपल होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। हम इतने ही साड़ियां पहनेंगे, हम 10 दिन के 10 वस्त्र रखते हैं, आप लोगों को भी सीमा करना चाहिए। 10 दिन बाजार के अंदर, 10 दिन बाजार में तो जैनियों को खाना ही नहीं चाहिए, सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बाजार की कोई भी बनी वस्तु, चाहे मिठाई हो, चाहे सकरा हो, चाहे नकरा हो, 10 दिन बाजार में नहीं खाना, क्योंकि ये 10 लाख क्षण पर्व हैं। अभी मैं कब बताऊंगा इनको, यदि अब तो समय हो जाएगा, इसी से हमारी वो यंत्र शक्ति जगाना है, यंत्र शक्ति का जागरण करना है। जो आप कपड़े का जो त्याग कर रहे हैं ना, ये यंत्र शक्ति जगा रहे हो कि हम